In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir. Nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. चुनाचे जनाब भुट्टो ने जनूब मशरिकी एशिया को एटमी हथियारों से पाक इलाका करार देने की आलमी मुहिम चलाई और अक्वामे मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। दूसरी समत जनाब भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट खरीदने का मुआयदा किया। अमरीका ने पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए शदीद दबाव डाला। पाकिस्तान ने बैन अक्वामी जमानतें मुहैया करने पर आमादगी जाहिर की। बाद में फ्रांस ने अपने शरायत की खिलाफवर्जी का बहाना बनाकर रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआयदा मनसूख कर दिया, लेकिन जनाब भुट्टो अपनी आखिरी सांसों तक अपने इस मौकफ पर डटे रहे। जनाब भुट्टो की कोशिशों से मुमताज एटमी साइंसदान जनाब अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए और कोहुटा में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाने की काविशें शुरू की। पाकिस्तान के शोबे में तमाम कामयाबियां भुट्टो ही की मरहूने मिन्नत थे। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा ही की नहीं तीसरी दुनिया के भी एक अहम रहनुमा थे। वो बड़ी ताकतों के जबर का शिकार तीसरी दुनिया के मजलूम आवाम की आवाज बने। उन्होंने बारहा कहा कि अफ्रीकी और एशियाई अकवाम एक बेहतर दुनिया तख्लीक करने पर पूरी तरह कादिर हैं। उनका ये उरूज बैन अक्वामी ताकतों की निगाहों में खटकने लगा। मार्च 1977 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 155 और अपोजिशन के नौजमाती इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 36 नशस्तें हासिल की। कौमी इत्तेहाद ने इन नतायज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। 3 जून 1977 से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तवील मुजाकरात का आगाज हुआ। दरमियान में मुजाकरात तातुल का शिकार भी हुए, लेकिन मिलाखिर हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात तस्लीम कर दिए। प्रोफेसर गफूर उन दिनों पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल थे। वो मुजाकरात के बारे में कहते हैं, जून 1977 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान होने वाले मुजाकरात सियासी अहमियत के हामिल थे। मैं इस वक्त यह अर्ज करना चाहता हूं, अव्वलन ये कि ये मुजाकरात किस पसमंजर में हुए, सानियन ये कि क्या ये मुजाकरात कामयाब हो गए थे और फरीकैन किसी समझौते पर पहुंच चुके थे, और सालिसन ये कि अगर हां तो फिर माहदे पर अमल होने के बजाय एक तवील तरीन माशाल्लाह मुल्क में क्यों नाफिज हुआ। 10 जनवरी 1977 को साबिक वजीर आजम मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली तोड़ दी और उसके बाद सूबाई असम्बलियां भी तोड़ दी गई। उस वक्त अपोजिशन जमातें और उनका इत्तेहाद मुत्तहिदा कौमी मुत्तहिदा जमहूरी महाज इंतशार का शिकार था और उनका ख्याल ये था कि ये वक्त पीपुल्स पार्टी के लिए इंतखाब के लिए मौजूद तरीन है। लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को तोड़ने के फौरन बाद अपोजिशन जमातों का एक नया इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के नाम से वजूद में आ गया, जिसमें 9 जमातें शामिल हो गईं और जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो मुत्तहिदा जमहूरी महाज से अलहदा हो गई थी वो दोबारा इस इत्तेहाद में शामिल हो गई। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 7 और 10 मार्च को मुनक़िद होंगे। 7 मार्च को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, लेकिन इंतखाबात के फौरन बाद इत्तेहाद के रहनुमाओं ने यह कहा कि इन इंतखाबात में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये इंतखाबात दोबारा मुनक़िद कराए जाएं और सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, लेकिन पीपुल्स पार्टी का मौकफ यह था कि इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानबदाराना हुए हैं, दोबारा इंतखाबात कराने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, और ये कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात अपने वक्त पर यानी 10 मार्च को मुनक़िद कराए जाएंगे। ये इंतखाबात हो गए, लेकिन मुल्क में एक जबरदस्त एहतजाजी तहरीक चल गई जो तकरीबन 12 हफ्ते तक जारी रही। इस तहरीक के बाद दोनों फरीकों ने अपने मौकफ में नरमी इख्तियार की और मुजाकरात का सिलसिला शुरू हुआ
जो 3 जून 1977 से शुरू हुए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने मुतालबा यह किया था कि मिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बदर आजम के अहदे से इस्तीफा दें, हम उसके बाद ही मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। लेकिन पीपुल्स पार्टी का मौकफ यह था कि हम इंतखाबात दोबारा मुनक़द नहीं कराएंगे। इत्तेहाद ने अपना यह मुतालबा तर्क कर दिया और उसने वज़ीर आज़म हाउस में जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़ाकरात किए और भुट्टो साहब ने यह मुतालबा तस्लीम कर लिया कि वो असरअला इंतखाबात कराएंगे और इन मुज़ाकरात में ये बात तफसील से तय की जाएगी कि इंतखाबात कैसे मुनक़द हों। वस्त जून में दोनों फरीक एक समझौते पर पहुंच गए थे और उस वक्त ख्याल यह था कि 20 जून को रस्मी तौर पर माहदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब उसी दौरान 18 मार्च को एक 4 रोजारा बैरूनी दौरे पर चले गए। 18 मार्च करवाना होने के बाद वो 18 जून करवाना होने के बाद वो 23 जून को वतन वापस आए। उनके आने के बाद मुज़ाकरात फिर शुरू हुए। मुझे याद है कि 1 जुलाई और 2 जुलाई को पूरा वक्त हमारा वज़ीर आज़म हाउस में गुजरा। 2 जुलाई को नमाज फज्र भी हमने वज़ीर आज़म हाउस में अदा की थी। उस वक्त माहदा तय पा चुका था, वो मसद्दा माहदा कि जो इस्लामी पाकिस्तान जमहूरी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की मरकजी काउंसिल ने तय किया था, वो सारी बातें भुट्टो साहब ने तस्लीम कर ली थी, उनको मान लिया था। लेकिन भुट्टो साहब ने बात मामूली तरामीम करना चाहिए। हमने भुट्टो साहब से ये कहा कि अगर आप इस माहदे में कोई तरमीम करेंगे तो मुज़ाकराती टीम को इस बात का इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इन्हें तस्लीम कर ले, लिहाजा बेहतर यह है कि आप माहदे में दस्तखत कर दें, वरना हमें इस बात का खदशा है कि मुल्क में माशाल्लाह नाफिज हो जाए। भुट्टो साहब ने भी इसका इनकार नहीं किया, लेकिन इस पर इशार किया कि उनकी जानिब से तरामीम की गई है, उनको हम मंजूर कर लें। लेकिन हमें इसका इख्तियार नहीं था कि हम माहदे में दस्तखत करते। चुनांचे ये बात फिर मरकजी काउंसिल में गई और 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब में रावलपिंडी में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की मरकजी काउंसिल का इजलास हो रहा था। उस काउंसिल में जनाब असगर एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान और बेगम नसीम वली साहब का कहना यह था कि हम समझौता ना करें बल्कि मुल्क में माशाल्लाह लगने दें, इसलिए कि माशाल्लाह ही मुल्क में बर वक्त और मुनसिफाना इंतखाबात का जामिन बन सकता है। लेकिन इत्तेहाद ने यह बात तय नहीं की, उनसे मंजूर नहीं किया, बल्कि इत्तेहाद ने यही तय किया कि हम भुट्टो साहब के साथ वायदा कर लें। इसी तरीके से वज़ीर आज़म हाउस में मरकजी काबीने का इजलास हो रहा था और वहां भी यही बात तय की गई कि माहदे पर दस्तखत कर दिए जाए और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद से माहदा कर लिया जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब में माशाल्लाह लगा दिया गया। अगर माशाल्लाह नहीं लगता तो 5 जुलाई को माहदे पर दस्तखत हो जाते और मुल्क को तमीर तरीन माशाल्लाह देखना नहीं पड़ता। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जनाब भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक के रूहे रवा रहे। वो अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन थे। नवाबजादा नसरुल्लाह खान उन मुज़ाकरात का अहवाल यूं बयान करते हैं। मार्च 1977 में जब इलेक्शंस कराए गए तो उसके बारे में